गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है WBC। आज आप लोगों को WBC के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये ब्लड का सॉलिड पार्ट था, एक था RBC, एक था WBC। तो देखिए WBC की आज स्टडी करेंगे, RBC की कर चुके हैं। तो देखिए WBC की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, और इसे ल्यूकोसाइट सेल्स भी कहा जाता है। और इसका जो शेप होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ये बड़ी होती हैं, ये मतलब जो भी RBC की अपेक्षा बड़ी होती हैं। और इनका जो आकार होता है वो अमीबॉइड के आकार का होता है, एक प्रकार से ये अमीबा लाइक होती हैं, ऐसी अमीबा लाइक होती हैं। तो देखिए, और ह्यूमन में इनकी संख्या 5000 से 9000 तक होती है। तो देखिए WBC को डिफाइन किया गया है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है ग्रीन, सबसे पहला है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए समझते हैं इओसिनोफिल्स क्या होता है। तो देखिए जो इओसिनोफिल्स होता है ये क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, घोड़े के नाल के समान होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स है, इसमें भी जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रकार से चपटा होता है, और इसमें एक प्रकार से साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ये न्यूट्रोफिल्स कहलाता है। बेसोफिल्स क्या होते हैं, बेसोफिल्स में जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, पिचका हुआ होता है, धसा हुआ होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट की। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो देखिए बात करते हैं लिम्फोसाइट की। तो देखिए जो लिम्फोसाइट होता है इसमें जो केंद्रक होता है वो एक प्रकार से गोल होता है, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो मतलब टी लिम्फोसाइट है इसका फॉर्मेशन होता है थाइमस में। और ये देखिए मोनोसाइट है, इसका केंद्रक धसा हुआ होता है, तो मोनोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, बोन मैरो में होता है। यानी ये बी लिम्फोसाइट है, सॉरी ये टी लिम्फोसाइट है, और इसके अंतर्गत बी लिम्फोसाइट भी आती है जिसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो। तो मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है वो एक प्रकार से चिपटा हुआ धसा हुआ होता है, और इसके चारों साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। अब देखिए बात करते हैं WBC की। तो देखिए ये लिम्फोसाइट क्या करती हैं, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये उन पर अटैक कर देती हैं, उनका बच्चड़ कर देती हैं, उनको खा लेती हैं। एक प्रकार से जो लिम्फोसाइट सेलें होती हैं ये हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से WBC को शोल्डर सेलें कहा जाता है। शोल्डर का कार्य क्या होता है कि हमको एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करना। तो जो WBC होती है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन के रूप में वर्क करती है, इसीलिए इन्हें शोल्डर सेलें कहा जाता है। इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो WBC होती है वो अपमार्जक के रूप में वर्क करती है, और आगे आप लोगों को बताया है कि जो WBC होती है वो बॉडी प्रोटेक्शन की मतलब बॉडी प्रोटेक्शन की एक प्रकार की सेलें मानी जाती हैं, शोल्डर सेलें कहा जाता है इन्हें। हमें एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, और जैसे कभी हमें चोट वोट भी लग जाए तो ये भारी आघातों से हमारी रक्षा भी करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू। और इसको अच्छी तरीके से टॉपिक को तैयार करें, और कल आप लोगों को प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बनी रहिए। ओके।